ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। দিল্লির ফিল্মিস্তান এলাকায় ব্যাগ জুতোর কারখানায় ভয়াবহ আগুন, 43 জনের মৃত্যু ঘটনায় গ্রেফতার কারখানার মালিকের ভাই। বিস্তারিত জানবো, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি নিবেদিতা শান্ডিল্য। নিবেদিতা, ক্যা পাতা চল রহা হ্যায় ইস বিষয় মে অভি? জি দেখিয়ে, अभी तक जो है जितनी जानकारी उसका हिसाब से है कि 5:20 पे पुलिस को कॉल पहुंची है, फायर डिपार्टमेंट कॉल पहुंची आग लगने की। और जैसा कि जो तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, उन तस्वीरों में आपको पता चलेगा कि ये जो जगह है, ये जो गली है, ये सकरी है, ये इसका एंट्रेंस इतना छोटा है कि यहाँ पे जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं उनको घुसने में भी परेशानी काफी हुई। यहाँ पे लगभग 35 जो अग्निशमन की गाड़ियां थी वो लेकर के फायर डिपार्टमेंट आया, लगभग 40 से 45 यहाँ पे एम्बुलेंस है, जिसे दिल्ली का सबसे बड़ा जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बताया जा रहा है। अभी तक जो है 35 लोगों के मरने की पुष्टि हुई है इस आग में, और लगभग 56 लोगों को इस आग से रेस्क्यू किया गया। और इस वक्त यहाँ पे मनोज तिवारी मौजूद है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सांसद प्रवेश वर्मा मौजूद है, अरविंद केजरीवाल आने वाले हैं, सत्येंद्र जैन आ चुके हैं, आधार ठाकुर यहाँ पे मौजूद है, सारे नेता जो है यहाँ पे आ रहे हैं, सारे अधिकारी दिल्ली के प्रशासन के सारे मुख्य अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। लोग भीड़ लगनी शुरू हो गई सुबह, आग इतनी भयानक थी कि आसपास का पूरा इलाका जो बंद कर दिया गया था, आसपास की पूरी जो अनाज मंडी जो सड़क थी सड़क पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि चारों तरफ धुआं फैला हुआ था और ज्यादातर लोगों की मौत जो है वो धुएं से दम घुटने की वजह से हुई है। तो आप ऐसे में समझ सकते हैं कि यहाँ पे स्थिति कितनी बुरी रही होगी। दरअसल जो यहाँ के लोग हैं, जो लोकल लोग हैं, वो बता रहे हैं कि ऐसे जो कारखाने हैं छोटे छोटे इलीगल, ऐसे अभी बहुत है यहाँ पे जो कि चल रहे हैं। जो जिस कारखाने में आग लगी है वो भी एक प्लास्टिक बैग बनाने का कारखाना था, जहाँ पे बच्चे भी काम करते थे, जिन बच्चों को 10 दिन पहले रेस्क्यू किया गया था। और ऐसे कारखाने ऐसे इस इलाके में काफी हैं, इसके बावजूद सबकी जानकारी के बावजूद भी इन जो इलीगल जो कारखाने हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रियां, इनको बंद नहीं कराया गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। अब देखना यह है कि सब सारे नेता मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं, तो आगे इस पे क्या कदम उठाया जाएगा। संगीता, शुक्रिया निवेदिता।